मैं टैक्सी चला के इतना एरोटिक फिल्म करके इतना मेहनत करके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कर रहा हूँ ना। मेरा तो ये बोलना है कि नए बंदे यहाँ आए नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर रिटर्न नहीं है। आपके वीडियो आपके बुढ़ापे में आपके पोते भी देखेंगे। आप अपने घर वालों को बोल के आओ कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि मैं ये करूँगा और घर वालों को पता नहीं चलेगा, उस आदमी से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि ये वायरल चीज़ें होने वाली है। मैं इसलिए लगाऊँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है नहीं। जिस दिन मेरे पास अच्छा प्रोजेक्ट आएगा मैं नहीं करूँगा। आपने एक बार अगर सीन किया है तो वो वीडियो इंटरनेट से कभी गायब नहीं होगा। वो मियाँ बीवी वाला ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, उनको वही ससुर बहू देवर भाभी। आपको हर हाल में एक्टिंग दिखाना ही है, कोई दूसरा चारा नहीं है। लोगों के दिमाग में ये है कि एरोटिक है तो एक्टिंग नहीं रहेगा, हम खाली कपड़े उतारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट पार्ट हर हाल में नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिखना चाहिए। हर आदमी जो कर रहा है उसको लग रहा है गलत कर रहा है, और उसके मन में एक ही सवाल चीज़ है कि मुझे इससे निकलना है। डायरेक्शन मतलब क्या है? एक कहानी को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है यार? प्रोड्यूसर चैनल क्रिएटिव सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। कैसे शूट होगा, क्या शूट होगा, कितना दिखाना है, क्या पहनना है, सब चैनल वाले बताते हैं। अगर किसी के साथ मोलेस्ट हो गया, रेप हो गया, वो बताना कठिन है, लेकिन कोई छेड़ रहा है, किसी ने कुछ आंख मारा, वो बताना इजी है ना। कैसे बड़े होते हैं, कब क्या होता है, तो ऐसे धीरे धीरे ना सेक्स का नॉलेज तो बढ़ना ही चाहिए। मैं एडल्ट फिल्म इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुधार सकूं। मैंने पहले बहुत देखा है, अभी अब नहीं देखता। क्यों? यही बात आप फिल्म वाले को बोलते हैं, निपोटिज्म मत फैलाओ। अब मैं एरोटिक करो तो मेरे बच्चे गंदी फिल्में करें। वो दिमागी तौर पे ना वो कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं लोग, जो मर्डर भी करते हैं और जो सेक्स भी करते हैं। किसी के दबाव में, किसी के डर से मैं कुछ भी उनके हिसाब से नहीं बात करूंगा ना, जो सच है वही बोलूंगा मैं। जो मेरे पिताजी मुझे टीवी देखने के लिए मारते थे, आज वही मोबाइल लेके दिन भर टीवी देख रहे हैं। देखो इस्लाम में तो हर हाल में ये वीडियो फोटो सब हराम है। हमारे समाज के जो मौलवी वगैरह है, अगर एक फोटो भी लेना होता था ना तो उनकी परमिशन लेना पड़ता था, जैसे पासपोर्ट के लिए। इसके लिए बचपन में मैंने देखा है। यार मैं कोई बड़ा आदमी तो होने की मैं सोचूं ये गलत है वो गलत है, मैं टैक्सी ड्राइवर था भाई। अगर मैं सोचा हूँ, मेहनत किया हूँ, मैंने गलत नहीं किया। फ्यूचर का सिनेमा आप क्या जानते चाहते हो, वैसे ही बने जैसा पहले बन रहा था, या उसमें ये सब चीज़ ऐड होना चाहिए? जैसे एनिमल फिल्म में अगर लोग बुराई कर रहे तो क्यों बुराई कर रहे हैं? मुझे वो फिल्म में कोई बुराई दिखी नहीं। मुझे दिन नहीं काटना है, मुझे भीड़ में से निकलना है, मुझे ना वो स्टेडियम में बैठ के ना ताली नहीं बजाना है। अब मैं ऐसा स्ट्रगलर हूँ जो लाख दो लाख रुपये कमा के स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ और मैं इसको काम ही मानता हूँ, और इसमें मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें कुछ गलत है। अक्सर हम पर्दे के सामने वाले लोगों की कहानी सुनते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं और वहीं से कहानी बुनते हैं। हमारे साथ हैं समीर सलीम खान उर्फ एसएसके। स्वागत है सर आपका। थैंक यू यार, थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, अच्छा लगा आपने मुझे याद किया। सर धारावी के एक चौल से निकलकर कई सालों तक टैक्सी चलाकर 14 सालों का संघर्ष कर फिर आपको कैसे लगा कि आपको जो है डायरेक्शन के क्षेत्र में आना है? नहीं, मुझे लाइफ में ना कुछ ऐसा लगता था कि धारावी में पैदा हो गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने हमेशा कोशिश किया आगे बढ़ने का, और मुझे ना हर हाल में वो टैक्सी छोड़ना था, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है वहाँ पे। और मेरा एक दोस्त था वहाँ पे जहाँ मैं रहता था, फिरदोस नाम है उसका, वो जूनियर आर्टिस्ट था। फिर उससे बात करके उन्होंने मुझे, एक छोटी बहू शो था जी टीवी का, वहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट लगा फ्री में, और 3 महीने फ्री में किया। उसके बाद वहाँ जो TCR देख रहा था वो चला गया, और फिर मैं लग गया, और फिर कहानी चल पड़ी। आपने कहा सर छोटी बहू से आपने शुरुआत की, तो मतलब क्या अभी भी वही हालत है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह होते हैं बहुत कम सैलरी उनको मिलती है, या फ्री में भी आपने जैसे आपने फ्री में काम किया था? मुझे ऐसा लग रहा था कि ना बस इंडस्ट्री में एक बार जाना है, लोगों को अपनी मेहनत से इम्प्रेस करना है। तो अगर मुझे फ्री में भी जगह मिला तो मुझे जगह मिले बस। अगर मैं पैसा भी बोलूँगा और जगह भी बोलूंगा तो हो सकता ना बोले। तो मैं ज़्यादा करके कोशिश ये किया कि सर मुझे सीखना है और मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने यही बोला। और उससे जो एसोसिएट थे हमारे विकास जी, उनको इम्प्रेस हुए हुए, और उन्होंने मुझे रखा कि फ्री में कर लो, अगर नहीं जमा, डायरेक्टर को मोहित झा डायरेक्टर थे, अगर उनको नहीं जमा तो फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने बोला कि सर एक बार फ्री में बुलाओ, मैं अच्छा काम करूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और उन्होंने बुलाया मुझे, और मैंने बहुत मेहनत से काम किया। डायरेक्टर और बाकी जो भी टीम के लोग थे वो मुझे पसंद करने लगे मेरे मेहनत से। और जैसे ही वहाँ से कोई TCR का बंदा गया, जगह खाली हुई, तो मुझे अपॉइंट कर लिया उन लोगों ने। फिर मैं उस कंपनी के साथ, DJS नाम की कंपनी थी, उसके साथ मैंने वो शो पूरा कंप्लीट किया। जब हम एडल्ट फिल्मों की बात करते हैं, कहने के मन में हिचक अवश्य आ जाती है, तो क्यों आपने चुना कि नहीं मैं तो करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि मैंने सावधान और क्राइम जो मेरे सीनियर थे, मैं कर ही रहा था, वहाँ असिस्टेंट भी था, फिर मैं डायरेक्टर भी बना, तो जो मेरे सीनियर हैं वहाँ सीनियर थे,
तो वहां मेरा जगह बनाना बहुत मुश्किल था। मैं जहां भी जाता था कंपनी में एज ए डायरेक्टर मीटिंग करता था तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता था कि अच्छा ये उसका असिस्टेंट है, ये उसका असिस्टेंट है। लोग असिस्टेंट के साथ जल्दी जाना नहीं चाहते क्योंकि पैसे लगे होते हैं, अगर सीरीज खराब हो गई या एपिसोड खराब हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो लोग ना बहुत डरते हैं, वो प्रॉपर डायरेक्टर के साथ ही काम करना पसंद करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो इसका बहुत संघर्ष मैंने देखा, जल्दी काम नहीं मिल रहा था और नया नया फिर एरोटिक आया, यहाँ पूरा मैदान खाली था, यहाँ कोई था नहीं, लोग झिझक रहे थे करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरे सीनियर से मेरा कोई कंपटीशन भी नहीं होगा और मैं एक अपनी अलग पहचान बना सकता हूँ और भविष्य का तो यही सिनेमा है, ऐसा मैंने माना और मैंने कोशिश किया। आप एक सर मुस्लिम परिवार से आते हैं तो मुस्लिम परिवार में तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि मनोरंजन को भी कहीं ना कहीं एक तरह से हराम ही माना जाता है और उस तरह से आपने सोचा कि मुझे एडल्ट फिल्मों की तरफ जाना है, उसको डायरेक्शन करना है, तो परिवार का सपोर्ट था, आपकी वाइफ का सपोर्ट था कि क्या क्या पूरा आपके परिवार का सीन क्या था उस समय? देखो मैं मुस्लिम समाज में हूँ, मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे हराम है ये बात तो सच है, लेकिन हमारे यहाँ एक फोटो भी हराम है जब मैं छोटा था तो ठीक है। टीवी देखता तो मेरे पिताजी मुझे मारते थे, बोलते थे कि यार ये जहन्नम वाला काम है, ये मत करो, तो वो उस टाइम पे मैं मानता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये मोबाइल को भी मैं टीवी मांगता ना, जो मेरे पिताजी मुझे टीवी देखने के लिए मारते थे आज वही टीवी लेके मतलब मोबाइल लेके दिन भर टीवी देख रहे हैं। जो पहले के हमारे यहाँ जो हमारे समाज के जो मौलवी वगैरह हैं, अगर एक फोटो भी लेना होता था ना तो उनकी परमिशन लेना पड़ता था, जैसे पासपोर्ट के लिए, इसके लिए बचपन में मैंने देखा है कि फोटो भी खिंचा नहीं सकते, वो भी हराम है। लेकिन अब तो मोबाइल आ गया, अभी उन्हीं लोगों के वीडियो आ रहे हैं। चाहे देखो इस्लाम में तो हर परिस्थिति में हर हाल में ये वीडियो फोटो सब हराम है, तो लोग अपने अपने हिसाब से जो है ना उसको मान रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ अपने आप को कि मैं ना नए ज़माने का हूँ, जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं नए ज़माने का हूँ और मैं ना ये सब नहीं मान रहा हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म जो है ना दुनिया के लिए था, अब मैं अपने आप को गैलेक्सी वासी मानता हूँ, क्योंकि मैच नहीं कर पाओगे ना। क्या मायने इसके जब खुद को कहते कि मैं गैलेक्सी वासी हूँ, तो इससे किस तरह से आप दिखते हैं इसको? देखो मेरा ऐसा मानना है कि धर्म दुनिया के लिए बना है, ठीक है, ये दुनिया एक गुरुकुल था, ईश्वर ने हमको पढ़ाया समय समय पर, टीचर भेज के, पैगंबर भेज के, भगवान भेज के, और अब हम पढ़े लिखे समझदार हो गए, हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, यार सबको पता है ईश्वर एक है, तो अभी मैं नहीं डरता और मैं कर रहा हूँ, अगर मैं गलत करता तो मेरा बुरा हो जाता। तो मतलब आपके परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है? मेरे परिवार से पूरा सपोर्ट है, उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है, मेरा स्ट्रगल देखा है, उनको पता है कि मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ और मैं इसको काम ही मानता हूँ और इसमें मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें कुछ गलत है। सर एक जो एडल्ट फिल्म है उसको बनाने का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आपके पास कहानी आती है, कैसे आप उसको हाँ कहते हैं, क्या पूरा प्रोसेस जरा समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो हम लोग तो स्ट्रगलर है यार, हम लोग तो सोचते कौन सी कहानी आ जाए, कौन याद कर ले, जो भी याद करता है हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, हमको वो शूट ही करना रहता है। तो ऐसा फिल्म जैसा कुछ है नहीं कि मैंने कोई कहानी रिजेक्ट कर दिया ये कर दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं यार, हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना प्रोफाइल बनेगा ऐसा मेरा मानना है और हम लोगों को दिखेंगे। एक एडल्ट फिल्म बनाने में प्रोड्यूसर का कितना बड़ा हाथ होता है कि या फिर वो सिर्फ कह देता भाई मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ तुम बना दो, प्रोड्यूसर का कुछ रोल होता है इसमें? प्रोड्यूसर का ही रोल होता है ना, चैनल से तो उनका ही डील होगा। मिलने आते हैं वो सेट पर, आते हैं कभी प्रोड्यूसर? हाँ भाई सेट पे प्रोड्यूसर रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, सेट पे रहेंगे, वो पूरा टीम फिल्म जैसा ही होता है यार, पूरा बहुत सारी चीजें है सब एकदम, प्रोड्यूसर चैनल क्रिएटिव सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है, कैसे शूट होगा क्या शूट होगा कितना दिखाना है क्या पहनना है सब चैनल वाले बताते हैं, सब चैनल अपना कुछ नहीं है, सारा चैनल का प्रोडक्ट है, चैनल ही मालिक है, वही डिसाइड करेंगे कि ये होगा यही करना है, डायरेक्टर कुछ नहीं है। डायरेक्टर का फिर रोल क्या है सर? शॉट लगा रहा है, बाकी ड्रेस क्या होगा लुक क्या होगा तो चैनल कर रहा है ना, और चैनल रेफरेंस भेज देता कि देखो भाई ये ऐसे ऐसे शूट करना है, उनको बेचना है वो अपने हिसाब से करते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ऐसी फिल्मों को शूट करने में? देखो आजकल तो बहुत दिक्कत है यार, लोकेशन वगैरह मिल नहीं रहा है ना कोई, तो हर चीज़ में दिक्कत है आज के टाइम पे, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे करके जब तक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा हमको तो करना ही है तो हम कर रहे हैं। बहुत जानने का इच्छुक हूँ वो ये है कि ऐसी फिल्म में कहानी का कितना महत्व है,
क्योंकि अक्सर जहां तक लोग देखते हैं एडल्ट फिल्मों को किसी और नजरिए से देखते हैं, उनका कहानी पे फोकस होता ही नहीं है, लेकिन एज अ डायरेक्टर आपका तो फोकस रहता होगा कहानी पे, तो ऐसी फिल्मों में कहानी का कितना बड़ा रोल होता है? देखो, कहानी का तो बहुत बड़ा रोल होता है और सारी चीजें डिपेंड होती है बजट पे यार। तो अगर बड़ा बजट है, थोड़ा सा ज्यादा बजट है, उस पर कहानी है, तो वो जिसपे कहानी होती है उसमें कहीं ना कहीं एपिसोड ज्यादा होते हैं तो कहानी होती है। लेकिन घूम फिर के कहानी तो वही है ना यार, कहानी क्या है इसमें, कहानी तो वही है। मतलब अभी ये मानते हैं कि कहानी कुछ ज्यादा लेना नहीं, ये मानता हूँ कि कहानी पे इतना कहानी रहती है, लेकिन कहानी से ज्यादा जो मेन मुद्दा उसी पे फोकस होता है और हर चीज का, हर लोगों का फीडबैक खाली उसी पे रहता है कि ये होना चाहिए, बाकी तो देख लेंगे। कुछ तो नोटिस किया होगा ना कि ऑडियंस की डिमांड कैसी है, कि क्या देखना पसंद करते हैं वो? देखो, ऑडियंस की जो डिमांड है ना, वो क्रॉस चेक ज्यादा देखना पसंद करते हैं, अपोजिट वो मियां बीवी वाला ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, उनको वही ससुर बहू देवर भाभी सास दामाद। अब वो फितूर है दिमाग का, उसको क्या बोले यार, वो मार्केटिंग वाले भी पता करते हैं कि यही मार्केट में ज्यादा चल रहा है, तो चैनल वाले भी मजबूरी में वही बना रहे हैं। नहीं लगता कि इसे एक समाज पर, खासकर जो नए बच्चे हैं, क्योंकि आज मोबाइल सबके हाथ में है, वो जरूरी नहीं कि 18 प्लस है, लेकिन 18 प्लस वाला बच्चा ही उसको देख रहा है, कोई भी लॉगिन करके अपनी मम्मी के आईडी से, पापा के आईडी से देख सकता है, तो समाज पर या खासकर नए बच्चों पर ये गलत प्रभाव डाल रहा है ये? देखो, गलत प्रभाव तो है यार, और ये शुरू से ही है, हम भी देख, जैसे मैं अपनी मानता हूँ कि मैं भी देख के बड़ा हुआ, तो लेकिन मैं गलत काम तो नहीं कर रहा ना, एक एज के हिसाब से सब होता है यार, हर एज में आदमी जाता है देखता है, फिर उसके हिसाब से चेंज होते रहता है, अगर कोई उसी में फंसा हुआ है तो वो गलत कर रहा है, ऐसा मेरे समाज में तो बुरा असर तो पड़ ही रहा है यार, उसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि और कड़े सिस्टम बने कि जिससे बच्चों की पकड़ से दूर रहे। आप जब ऐसी फिल्मों को शूट कर रहे होते हैं, उस समय सेट का माहौल कैसा होता है, क्या सबके मन में क्या फितूर चल रहा होता है, क्या चीजें चल रही होती है, कि या फिर एक नॉर्मल जैसे फिल्मों की शूटिंग करते हैं वहां जैसा सेट का माहौल होता है वैसा ही वहां पर भी होता है कि कुछ अलग? नॉर्मल शूटिंग कर रहे हैं यार, नॉर्मल जब डेली आदमी जो काम कर रहा है वो नॉर्मल ही करेगा ना, सेट का माहौल आपके दिमाग में क्या है, सब अलग घूम रहे हैं बिकनी पे? नहीं यार, ऐसा नहीं होता, सब काम करते हैं और वहाँ पे अकेले लोग नहीं रहते, हमारी तो 40 लोगों की टीम है यार, उसमें कैमरे आते हैं, लाइट आती है, 40 लोगों की टीम समझ जाए तो वो नॉर्मल चुपके तो नहीं कर रहा है, ये तो मान के चलो, सब एरोटिक फिल्म है यार, वो पॉर्न फिल्म थोड़ी ना बना रहे हैं। आप देखते हैं क्या पॉर्न? देखते हैं आप? मैंने पहले बहुत देखा है, अभी अब नहीं देखता। क्यों? क्योंकि अब वो रात दिन वही काम कर रहा हूँ तो क्या देखूँ, सब तो देख लिया है ना। यही मैं सुनना चाहता था, अभी आपने कहा कि ये जो है वो पॉर्न नहीं है, हम एक एरोटिक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा रात दिन में वही कर रहा हूँ, मानते हैं कि एक सेमी पॉर्न टाइप का ये कंटेंट है? देखो, सेमी पॉर्न नहीं है, सेमी पॉर्न अलग चीज है, मैं एरोटिक करता हूँ लेकिन मैं वही काम कर रहा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है मैं वही, यही नहीं, मैं सीरीज वगैरह मैं फिल्में देखता ही नहीं अब, बचपन में बहुत देखता था, घर से भाग भाग के देखा है, स्कूल छोड़ छोड़ के देखा है, लेकिन अब मैं थक गया हूँ क्योंकि वही बनाने लगा हूँ ना, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है, ये मैं शॉट देखता तो मेरे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे शॉट लिया है, इसमें ये नहीं होना था, उसमें वो नहीं होना, तो 50 चीजें होने लगती है, तो मैं इतना देखता नहीं हूँ। आपने कहा कि आपकी 40 लोगों की टीम है जो साथ में रहती है, साथ में काम करती है, तो कोई एक्ट्रेस या एक्टर जो होते हैं वो तैयार होते हैं कि हाँ एरोटिक सीन देना है, या उनके मन में कोई हिचक होती है किसी प्रकार का, एक बोलते ना एक हिचक होती है? देखो, नया बंदा जो है उसके मन में तो हिचक होती है यार, ठीक है, लेकिन अगर आप, मैंने बहुत सारे नए लोगों को देखा जो हिचक होती है, लेकिन वो 2-4-3-5 सीन के बाद ना वो नॉर्मल हो जाते हैं फिर, और उनको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं है, सिर्फ काम है ये। कभी किसी एक्ट्रेस ने मतलब कोई सीन करने से इनकार कर दिया हो, तो वो आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कुछ देखने को मिला है आपको? देखो, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं मान लो कि इस इंडस्ट्री में पुराना हूँ तो मैं ना समझी वाला काम करूँगा नहीं, मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ जो ये काम सालों से कर रही है, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, पहली बात सारी होती है और हम लोग साथ में काम करते हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी। अपने नए बंदों की बात की, नए लोगों की बात की, तो क्या इस इंडस्ट्री में आना एक नए बंदे के लिए आसान है? क्या यहाँ भी कास्टिंग काउच होता है, या नए लोगों का यहाँ पर आने के लिए प्रोसेस क्या है सर? मेरा तो ये बोलना है कि नए बंदे यहाँ आए नहीं, जिनको अगर अच्छा एक्टर बनना है, लाइफ में कुछ करना है, तो वो बाहरी बाहर स्ट्रगल करे ना, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर रिटर्न नहीं है, आपके वीडियो आपके बुढ़ापे में आपके पोते भी देखेंगे, वो याद रखना है कि आपने एक बार अगर सीन किया है तो वो वीडियो इंटरनेट से कभी गायब नहीं होगा, तो जिसके पास जिगर है, जो सोच सकता है कि मैं आगे 10-15 साल बाद भी मैं वो सीन देख सकता हूँ, तो वो आए, नहीं तो मेरी ये सलाह है नए लोगों को कि पहले अच्छी जगह स्ट्रगल करो, अच्छी जगह स्ट्रगल करके भी आप स्टार बन सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अपना काम दिखा सकते हो। तो ये आप मानते हैं कि जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, क्या मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, कि नहीं उनको तो बनना सलमान खान शाहरुख खान ही था,
लेकिन वो आ गए इस इंडस्ट्री में क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिला। यही मानते कि हकीकत है, अगर किसी को अच्छा काम मिलेगा तो इधर आएगा नहीं। देखो एक्टर कोई कोई जिद्दी होता है कि यार मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं करके ही जाऊंगा, तो अगर जो कर रहे हैं उसमें से निकलते जाएंगे, धीरे धीरे निकल भी रहे। हर हाल में अपने आप को दुनिया में दिखाना है अपने टैलेंट से। आप 140 करोड़ की आबादी है यार, अगर छोटे छोटे पत्थर भी रखोगे तो बहुत सारा ढेर है, उसमें से निकल के ऊपर आना है। तो एक बार पहले लोग जानने लगे फिर देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। यार ये बात आप पर भी लागू होती है कि मैंने अपने आप पे लागू किया, देखो मैं निकल रहा हूँ ना। अगर मैं इसमें सोचता यार मैं कोई बड़ा आदमी तो होने की मैं सोचूं ये गलत है वो गलत है, मैं टैक्सी ड्राइवर था भाई। अगर मैं सोचा हूँ, मेहनत किया हूँ, मैंने गलत नहीं किया, मैंने सोचा कि भाई मुझे इस रास्ते से आना है तो मैं जल्दी आया, आज बैठ के बात करूँ आपके साथ, नहीं तो और 10 साल लगता अभी। पैसा है इस इंडस्ट्री में? पैसा तो नहीं है यार। तो काम क्यों कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल आसान है। अरे स्ट्रगल आसान है ना, जब फिल्म करेंगे, फिल्म तक पहुंचेंगे तो पैसा आ जाएगा। देखो मैं मानता हूं कि पहले मैं स्ट्रगलर था जिसके पास कोई पैसा नहीं था, जो फ्री में कर रहा था। अब मैं ऐसा स्ट्रगलर हूं जो लाख 2 लाख रुपए कमा के स्ट्रगल कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? जहां तक बात करते हैं सर, हम बड़ी बड़ी अल्ट बालाजी है, उल्लू है, बहुत सारे ऐसे वो है जो कमा तो खूब रहे हैं, लेकिन क्या वो उनका पैसा जो है आप जैसे डायरेक्टर के साथ या जो कहीं ना कहीं अपने एक पूरी लाइफ को, क्योंकि उनके बच्चे भी देखने वाले उस चीज को आगे जा करके, उसको रिस्क में लेकर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो क्या उनको वो जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं पैसे दे रहे हैं? देखो दो चीज है। अब मैं इसलिए लगाऊं क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है नहीं, जिस दिन मेरे पास अच्छा प्रोजेक्ट आएगा मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे ही सबके साथ है, लोग अब करने लगे तो करें क्या। जब नया नया था तो शुरू में यही बजट था, तो चैनल को पता है इनका यही बजट है, वो उनके उनके दिमाग में जो बजट है जो शुरू से दे रहे हैं वही बजट दे रहे हैं। अब वो थोड़ा बजट बढ़ाएंगे तो यहाँ वालों लोगों की जो यूनिट की स्थिति थोड़ी सुधरेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इस इंडस्ट्री के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है कि यहाँ पर आ रहे हो तो भाई लाज त्याग कर आना, यहाँ पर आ रहे हो तो शर्म त्याग कर आना, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये चीज तो होनी चाहिए? ये तो लागू है ना कि अब आप आ रहे हो तो पूरा सोच के आओ, आप अपने घर वालों को बोल के आओ कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे मैं ये करूंगा और घर वालों को पता नहीं चलेगा, तो मेरा ये मानना है कि उस आदमी से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि ये वायरल चीजें होने वाली है। तो आप पूरी तैयारी करके आओ कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे घर परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को पता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तुझे करते जाना है करते जाना है। तो अगर कोई बंदा आ रहा है, अगर वो आदमी डरता किससे, अपने घर परिवार से, मोहल्ले से ही डर रहा है ना, अगर वो उनको कन्विंस कर लिया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ, और घर वाले अगर हाँ बोल रहे तो ही उनकी सहमति से करे, और वो ना बोल रहे तो ना करे। क्योंकि देखो आपके घर वाले नहीं देख रहे होंगे, मोहल्ले वाला कोई बंदा आपका क्लिप आपके घर वाले पे भेज दिया, तब तो आप घर वालों की बदनामी होगी ना। तो मेरा ऐसा मानना है बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो घर वालों को कन्विंस करके उनकी सहमति से कर रहे हैं, तो वो लंबा करेंगे, वो हर चीज के लिए तैयार है। और जो घर वालों से छुपा के सोच रहे चुपके चुपके कर लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, आना ही नहीं है, ना इतना पैसा है, ना कुछ है, फेम है, तो नहीं आना है। ना पैसा है ना फेम है, फिर भी इंडस्ट्री चल रही है। फेम मतलब देखो कुछ नहीं से तो कुछ तो फेम है ना, जैसे अभी हम लोग को तो लोग अब थोड़ा थोड़ा जानने लगे ना यार, ये बात तो है, पैसे कम है लेकिन लोग तो जान रहे ना, एक एक थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहे ना हम लोग, तो हम लोग खुश हैं उस चीज़ से। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बजट बढ़ना चाहिए और अच्छा हम लोग खुश रह सकते हैं, है ना। आपके सर बच्चे हैं कोई? मेरे 4 बच्चे हैं यार। आपके बच्चों को पता है कि आप क्या कंटेंट बनाते हैं? हाँ पता है, उनको पता है ना। तो आपने कभी देख लिया कि मेरे बच्चे मेरे ही द्वारा बनाया गया कंटेंट देख रहे हैं, क्या आप पर असर पड़ेगा? देखो अगर हर बच्चे देखते ही है यार, बालिग होते जवान होते तो कोई छुप नहीं, हर जो आज बाप है वो कभी बच्चा था, उसने क्या क्या किया उसको पता है ना, तो मैं उससे भाग नहीं सकता। वो बॉडी की नीड है, उनके दिमाग में वैसा आएगा तो देखेंगे यार, वो देख के उसमें गलत जगह पे चले जाए ऐसा नहीं मैं मानूंगा। अगर वो देख रहा है आगे तो मैं उसको इतना वो माइंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सबने देखा है और देख ही रहे, बिना उसके चले गए नहीं। इंडिया में आज भी जो है सेक्स एजुकेशन को बहुत हीन दर्जे से देखा जाता है, माता पिता या टीचर्स बात करने में बच्चों से इस मामले में झिझकते हैं, तो आप मानते हैं कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है? देखो जरूरी तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि तुरंत, मेरा ऐसा मानना है कि आज से अगर हम बोलना चालू करेंगे, जैसे हम लोग 10वीं में थे तो एग्जाम होता था सेक्स, मतलब एग्जाम बोल रहा हूँ, टीचर आते थे सेक्स वाले अलग, वो पढ़ाते थे उसके बारे में, जानकारी देते थे कि कैसे बड़े होते हैं कब क्या होता है, तो ऐसे धीरे धीरे ना सेक्स का नॉलेज तो बढ़ना ही चाहिए, और अभी तो जानकारी होते जा रही है ना। मेरा ऐसा मानना है कि अब इंटरनेट के ज़माने में है, चीज़ें बहुत ईजी हो गई है, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे सब समझदार होंगे, क्योंकि लोग समझदार हो गए, ये ज्यादा चीजें चलेगी नहीं ज्यादा दिन तक। आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में जो है, बच्चे ऐसी चीजों के बारे में अपने माता पिता से बात नहीं कर पाते, मान लीजिए कहीं उनके साथ छेड़खानी भी होती है तो अपनी माता पिता से कह नहीं पाते हैं, तो क्या लगता है इस बारे में क्या सोचना है सर आपका, कि क्या लगता है आपको कि ऐसे कंटेंट देख करके उनके मन में एक जागरूकता आएगी, कुछ आएगा कि वो अपने
बातों को अपने पेरेंट्स से कह सके आगे जाने वाले। जागरूकता तो नहीं आएगी, देखो इसको जागरूकता के साथ जोड़ ही नहीं सकते यार, वो आप जो बोल रहे हो एक अलग मैटर है वो, कि किसी ने किसी के साथ कोई छेड़खानी करी तो वो निडर होकर अपने घर वालों को बताए। तो सबसे पहले मेरा ये बोलना है कि माता पिता को अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखना चाहिए, हर हाल में एकदम पैनी नज़र रखना चाहिए कि वो घटना किसी भी कीमत पे हो ही ना, उनको हर टाइम अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, एकदम लापरवाह नहीं होना कि अगर कोई घटना हो गई तो फिर सबसे पहली बात है कि अगर वो नज़र रखेंगे तो घटना कभी होगी नहीं, तो इसके लिए सतर्क रहे। और दूसरी बात है ना, बच्चों को थोड़ा फ्री रखें कि ऐसा कुछ हो जाए उनसे ऐसी बात करें कि कुछ पूछते भी रहे ना, कि वो कुछ दोस्त जैसा माहौल रखे कि उसके साथ कुछ घटे भी तो बोल दे तुरंत ही। ऐसा देखो कुछ भी चीज़ अगर छोटी छोटी चीज़ों से, मेरा ऐसा मानना है चीज़ें स्टार्ट होती है फिर वो मोलेस तक पहुँचती है, तो अगर हम नज़र रखेंगे छोटी चीज़ों से तो पहली बात वो मोलेस तक बात नहीं पहुँचेगी, हम वहीं उसको बीच में दबा देंगे। और दूसरी बात है अगर हम अपने बच्चों से दोस्ताना माहौल रखेंगे तो वो छोटी चीज़ अगर कोई उसके साथ कर रहा है तो तभी वो बता देगा, और वो छोटी चीज़ बताना ईजी है। अगर किसी के साथ मोलेस्ट हो गया, रेप हो गया, वो बताना कठिन है, लेकिन कोई छेड़ रहा है, किसी ने कुछ आंख मारा, वो बताना इजी है ना, किसी ने हाथ लगाया, तो वो कब होगा कि दो बच्चों के साथ दोस्ती दोस्ताना माहौल होना चाहिए, उनको इतना फ्री रखें, उनको इतना छूट दें कि उनके साथ उनको ऐसा विश्वास दिलाए कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे साथ कुछ होगा तो मुझे बताए, और अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे, एकदम अंधा विश्वास ना करे जिससे ये नौबत ही ना आए। मान लीजिए कल को आपने कहा आपके चार बच्चे हैं सर, आपके किसी बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे भी इस इंडस्ट्री में काम करना है, एडल्ट फिल्मों में काम करना है, आप राजी हो जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि मेरे बच्चे कभी मानेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं रात दिन घर पे यही बोलता हूँ कि मुझे निकलना है, संघर्ष है, संघर्ष है, और मैं संघर्ष इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे ये सब ना करें ना यार, उनको अच्छी फिल्में करवाऊंगा मैं, मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, अभी अच्छी फिल्में भी तो करूंगा मैं, तो मेरे बच्चों को लॉन्च क्यों नहीं करूंगा मैं एडल्ट फिल्म इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुधार सकूं मैं, और ये मेरे बच्चों को भी पता है, तो मैं उनका भविष्य सुधारूंगा, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, क्यों करेंगे यार ये सब? कि आप नहीं जाने देंगे उनको? मैं नहीं, नहीं, अगर उसको जाना है तो जाए, लेकिन मुझे अपने बच्चों पे भरोसा नहीं जाएंगे यार, जब पता कि मेरा बाप निकलने के चक्कर में तो क्यों जाएंगे वो, ये कौन सी बात हो गई, मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ यार, मैं टैक्सी चला के इतना एरोटिक फिल्म करके इतना मेहनत करके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कर रहा हूँ ना, और यही बात आप फिल्म वालों को बोलते हैं निपोटिज्म मत फैलाओ, अब मैं एरोटिक करो तो मेरे बच्चे गंदी फिल्में करें और जो फिल्म कर रहे हैं उनके बच्चे ना करें, क्या बात है यार, ये कौन सी बात हो गई, मैं एरोटिक फिल्म कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपने बीवी बच्चों का भविष्य सुधार सकूँ, कल को वो अच्छी फिल्में करें, अच्छा काम करें, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ना मैं, और मेरे बच्चे पागल है कि ये फिल्म करेंगे, मैं तो दूसरों को बोल रहा हूँ कि यहाँ मत आओ भाई, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ ना। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं सर जो मेरी नज़र में भी आए हैं कि जहाँ पर ऐसा बोला गया है कि किसी ने किसी की हत्या कर दी क्राइम पेट्रोल से सीख करके, किसी के मन में उसने एडल्ट फिल्म देखा, उसके मन में कामुकता जागी, उसी ने किसी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, क्या इसकी जिम्मेदारी एक डायरेक्टर होकर, एडल्ट फिल्म के डायरेक्टर होकर आप खुद पर लेते हैं या अपनी इंडस्ट्री पर लेते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है? देखो मैं जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेता, अब मेरा एक बताओ कि क्राइम पेट्रोल कितने सालों से चल रहा है और कितने मर्डर हो गए, नहीं कितने मर्डर हो गए, बहुत मर्डर हो गए, बिल्कुल बहुत, अरे यार गिनती पे हो गए, क्राइम पेट्रोल पे जी गिनती में हो, क्राइम पेट्रोल में देखो क्राइम पेट्रोल को देख के कितना आपने खबर सुना, अरे दो तीन साल में एक सुनता होगा ना यार, तो वो जो आदमी है उसके दिमाग में गलत है। मेरा ये बोलना है कि अगर मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ, मैं तो खून नहीं कर रहा, तो मैं अपने आप को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं एरोटिक सीरीज देख रहा हूँ, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि चलते चलते किसी लड़की को छेड़ दिया, ये कर दिया, तो मेरे मन में नहीं आ रहा ना ये, वो दिमागी तौर पे ना वो कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं लोग, जो मर्डर भी करते हैं और जो सेक्स भी करते हैं, उनको समाज में रहने लायक अधिकार ही नहीं है। अगर यार जो टीवी देख के, पिक्चर देख के खून करने लगे, मर्डर करने लगे, रेप करने लगे, तो ऐसे लोगों को समाज में रखने की जरूरत नहीं है, उनको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। आप बिल्कुल मानते हैं कि ये इसमें भाई इन सब चीज़ का कोई रोल नहीं, खाली मानसिकता उनकी खराब है? देखो देख तो सब रहे, अगर इनका रोल होता तो हर जगह मर्डर होता, हर जगह रेप होता, ऐसा मैं मान रहा हूँ, फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता, अगर कोई कोई कर रहा है तो वो बीमार है। आप क्या मानते हैं सर कि इस इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उनके लिए एक्टिंग कितनी जरूरत है, कि सिर्फ एक्टिंग नहीं भाई ये कर दो, एक्टिंग की जरूरत नहीं, खाली दिखने में सुंदर होने चाहिए, ऐसा कुछ है? देखो जो एक्टर रहेगी और जिसको एक्टिंग आएगा, सुंदरता प्लस एक्टिंग होगी तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। एक्टिंग नहीं आ रही, खाली सुंदर हो तो आप ज्यादा दिन टिकोगे नहीं, क्योंकि सुंदर चीजें एक टाइम के बाद आदमी का दिल भर जाता है ना,
लेकिन एक्टर हमेशा चलते रहता है। तो जिनकी एक्टिंग कमजोर है उनको हर दिन के साथ सीखना है, आपको बैलेंस बना के चलना है, सुंदर प्लस एक्टिंग, ताकि आप हर कैरेक्टर में फिट हो। कभी किसी ऐसे एक्टर से वास्ता हुआ है आपका कि भाई वो खाली मजे करने के लिए इंडस्ट्री में आया हो? ऐसे लड़के लोग को बोलते हुए सुना हूँ, लेकिन उनको समझ में आ जाता कि जैसा वो सोच रहे वैसा है नहीं। इन फिल्मों की कास्टिंग कैसे होती है सर? कास्टिंग बहुत ईजी है। देखो हम लोग तो सबको जानते हैं, जैसे स्क्रिप्ट आता है हम लोग को पता है कि किसको किसको लेना है। सोचते तो वो होंगे जो नए लोग हैं, उनको सोचना है ना। हमको तो सारे एक्टर हमारे पास नंबर है सबके, तो हमको तो इतना दिक्कत है नहीं। वही मैंने कहा कि ये तो पुराने एक्टर्स की बात होगी, लेकिन अगर नए एक्टर्स को लाना है इस इंडस्ट्री में, अगर किसी नए बंदे को आना है, वो कैसे आए? क्या वो भी कास्टिंग एजेंसी के थ्रू आए? और क्या कैसे वो आपका दरवाजा खटखटाए? सेम है सेम। आप इसमें भी कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओ, अपना ऑडिशन दो। ऑडिशन देखो, एरोटिक फिल्म में भी डायलॉग होता है ना, बस सीन थोड़े जाता है ना। ऐसे तो है नहीं कि हर स्टोरी में स्टोरी है नहीं, स्टोरी भी तो होती है, डायलॉग भी तो होते हैं ना। तो सेम प्रोसीजर है, आपको ऑडिशन देना है, आपका ऑडिशन अच्छा लगता है तो फिर चैनल वाले सेलेक्ट करते हैं। हम लोग ऑप्शन भेजते हैं चैनल में, आपको हर हाल में एक्टिंग दिखाना ही है, कोई दूसरा चारा नहीं है। लोगों के दिमाग में ये है कि एरोटिक है तो एक्टिंग नहीं रहेगा, हम खाली कपड़े उतारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कल्पना कीजिए दो नए एक्टर्स आए हैं, दो एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर उनके बीच में ऐसे रिलेशन को दिखाना आपके लिए एज अ डायरेक्टर कितना कठिन है? शुरू में थोड़ा टफ लगता था यार, लेकिन अब करते करते हम लोग सुबह से ही जुड़ जाते हैं ना, दोस्ती वोस्ती ऐसा सब। वो लोग आर्टिस्ट लोग भी बातचीत करते, अच्छा साथ में नहीं किए लेकिन सब एक दूसरे को जानते रहते हैं ना, वो उसमें किया वो उसमें किया, तो वो सब बात करते करते और कहीं ना कहीं पार्टी वगैरह में मिले ही रहते हैं, तो इतना टफ नहीं है। आदमी खुद चाहता है कि यार यार जैसे इसमें भी तो थोड़े थोड़े नाम है ना बड़े बड़े, तो आदमी सोचता है कि हाँ यार मुझे इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, लोग ज़्यादा देखेंगे ये करेंगे। कभी किसी एक्टर ने सेट पर मजबूरी अपनी बताई है या इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया हो उसका कि भाई मैं तो ये नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूरी करवा रही है? ऐसे तो बहुत जन बोलते हैं मजबूरी करा रही है, और ये भी बोलते हैं अब छोड़ देंगे, कितने तो ये बोलते मैंने छोड़ दिया है, फिर 6-7 महीने के बाद जब नहीं होता तो फिर करते हैं। तो हर आदमी जो कर रहा है उसको लग रहा है गलत कर रहा है, और उसके मन में एक ही सवाल चीज़ है कि मुझे इससे निकलना है। कोई एग्जाम्पल है सर इसका, आप इसका आपके पास कि कोई एक्टर ऐसा हो जिसने छोड़ दिया फिर लौट कर आया हो? यार ऐसे तो बहुत सारे, अभी मैं क्या नाम बताऊँ, कौन लोग जाने का क्या है। अब लेकर देखिए क्या पता हमारे दर्शक जान ले कि नाम नहीं लेना चाहते आप। जैसे एक जैद करके था, अब उसने छोड़ दिया। अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी वो ZTV का कोई शो कर रहा है। फिर एक अक्षत करके लड़का है, उसने छोड़ दिया था, फिर वो आया, फिर किया, फिर छोड़ दिया। तो स्वीकार कर लेते हैं आप? अरे हमारी इंडस्ट्री कौन सी बड़ी है यार, इसमें तो लोगों की कमी है ना, हम तो अरे हम क्यों मना करेंगे यार। अगर कोई देखो ना, मैं सामने से किसी को बुलाता हूँ और ना कोई आता है, तो मैं अब जो मैं जान रहा हूँ कि पहले कर रहा है वो बता ही रहा है कि करना ही है, आदमी सब परेशानी है तो क्या करे। आसान शब्दों में सर, क्या एडल्ट कंटेंट देखना सही है या गलत? मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सही है या गलत है, वो तो सबका अपना अपना सही गलत है भाई। मेरा ऐसा मानना है कि आप देखोगे तो अलग जोन में जाओगे, और एक ही तरह थिंक आप, जैसे मान लो कोई को टेंशन है, आप दिन भर एक ही सोच में हो, तो आप उसको देखोगे तो थोड़ी देर के लिए दिमाग रिलैक्स होगा, कुछ अलग जोन में जाओगे जो शरीर के लिए ठीक है, हार्मोन चेंज होंगे। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज का बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाया है कि सेंसर है नहीं तो हम कुछ भी दिखा दे रहे हैं। ये तो मैं मानता हूँ। जी सर बताइए इस पर। ये मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को ये क्लियर करना चाहिए कि कितना करना है और इसके ऊपर नहीं करना है, ताकि वो गंदगी जो बहुत ज्यादा हो रही है वो ना हो। आप मानते हैं गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है? हाँ मैं मानता हूँ गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। कौन कर रहा है ये गंदगी? हम सब मिलके कर रहे हैं। फिर भी कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो स्ट्रगल कर रहा यार, मैं तो कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं नहीं करूँगा तो कोई तो करेगा ना, या मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ कल ही। आप ये बोलो कि आप ही गंदगी, मैंने बोला हम सब मिलके कर रहे हैं, मैं ये बोलो कि मैं अकेला कर रहा हूँ, अगर आप ये बोलोगे कि आप मत करो गंदगी बंद हो जाएगी तो मैं नहीं करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि इस गंदगी से मैं जल्दी निकलूँ। कोई चीज़ अगर पूरी तरीके से गलत है तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट बंद करेगी। मैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ यार, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर वो चल रहा है इसका मतलब सही है, तभी तो चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो मैं काम करूँगा, अगर वो गलत होगा तो गवर्नमेंट बंद करेगी, फिर मैं नहीं करूँगा। मेरे पर थोड़ी ना लागू हो रहा है यार, मैं तो देश में रह रहा हूँ हिंदुस्तान में ना, कानून किसका है? गवर्नमेंट का है, लोग कर रहे हैं ना। अगर वो चल रहा है, अंधेरी में ऑफिस है, इसका मतलब सही है, तभी चल रहा है, टैक्स दे रहे होंगे तो मैं कर रहा हूँ। अगर वो बोलेंगे बंद है तो हम बंद है, हम कौन सा झंडा लेके बाहर आ रहे कि भाई ये चालू करो चालू करो, हम तो अपना दिन काट रहे हैं यार। मान लीजिए कि एक दिन बंद हो जाता है ये, फिर समीर सलीम के पास क्या रास्ता है? अब तो लोग जानने लगे हैं, मैं तो टैक्सी भी चलाऊंगा तो लोग मुझसे प्यार करेंगे, मुझे कोई टेंशन है नहीं। तब बैक रूट पर अपने जाने के लिए तैयार है पूरी तरह आप?
टैक्सी चलाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं टैक्सी ही चला रहा हूँ यार, एक बात किया, मैं फिल्म के लिए कोशिश कर रहा हूँ और मैं फिल्म करूंगा। देखो जब मैं कुछ नहीं था तो यहाँ तक आया यार, अब आप लोग का प्यार मिल रहा तो आगे ही जाऊंगा। बुरा लगता है कभी कि जो मैं भी 15 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी 15 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने सीरियल बनाया है, मैंने सावधान इंडिया किया है, मैंने क्राइम पेट्रोल किया है, इतने सारे शोज किए हैं, लेकिन जो फेम बॉलीवुड के डायरेक्टर को मिल जाता है एक फिल्म करने से, एक कोई छोटा सीरीज कर देने से, वो मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा कि वो फिल्म मेरे पास नहीं आई ना, उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ मैं, तो धारावी से आया हूँ तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे उस चीज के लिए संघर्ष करना है, वो फिल्म एक मुझे भी लेना है ना, ताकि मैं भी वैसे फेमस हो जाऊँ, उसके लिए तो मेरे पीछे प्रोफाइल चाहिए ना, कोई मुझे क्यों प्रोड्यूस करेगा मेरे पिक्चर। तो सर 15 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, नहीं लगता कि अब ये इनफ हो चुका है कि आप जा सकते हैं बॉलीवुड में या बना सकते हैं कोई सीरीज, किसी प्रोडक्शन हाउस का दरवाजा खटखटा सकते हैं? बनाएंगे ना बनाएंगे, लेकिन मेरा एक आदत है कोई फोन करेगा तो ही मैं जाता हूँ, सामने से नहीं जाते काम मांगने। मुझे ऐसा लगता है कि यार अलग तरीके का, देखो आदमी प्रोफाइल देखे रहते तो चीजें इजी हो जाती है, मैं फाइल लेके जाऊंगा तो मुझे ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, तो और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कोई ना कोई अच्छा बंदा मुझे कॉल करेगा, जिसको लगेगा कि यार बंदा टैलेंटेड है वो मेरे साथ प्रोजेक्ट करेगा, मैं करूंगा उसके साथ। आप लेकिन सीरियल्स में क्यों नहीं रह गए? मुझे ना वो चाहिए, जैसे SSK, तो SSK एक ब्रांड जैसा चाहिए ना मुझे। मैं सीरियल में कितने डायरेक्टर को आप जानते बता दो मुझे, तो मैं बोलूंगा कि मैं सीरियल में जा रहा हूँ। आप बताओ, बहुत कम, आप एक भी नाम बता दो ना, आपको नहीं पता होगा, वो सब दिन काट रहे यार, मुझे दिन नहीं काटना है, मुझे भीड़ में से निकलना है, मुझे ना वो स्टेडियम में बैठ के ना ताली नहीं बजाना है, मुझे उस मैदान में उतर के खेलना है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी सर हाल ही में खबर आई कि आप तो अल्ट बालाजी के साथ काम भी कर रहे हैं, शोभा कपूर जी और एकता कपूर जी पर केस हो गया है कि भाई उन्होंने कुछ नाबालिग लड़की के अश्लील दृश्य दिखा दिए, तो क्या ये जो तलवार है सिर्फ निर्माता पर लटकता है या जो डायरेक्टर है आप जैसे उन पर भी किसी बात का डर होता है, खौफ होता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है उनके साथ गंदी बात के लिए, जहां उन्होंने फौजी के कुछ गलत दृश्य दिखा दिए थे। देखो यार डायरेक्टर तो कुछ अलग तो है नहीं, डायरेक्टर पे भी तलवार रहेगा ही रहेगा, अगर गलत करेगा तो डायरेक्टर भी पकड़ा ही जाएगा। कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पर? बहुत लिमिटेशन है, आपको लिमिट में ही करना है। जैसे गवर्नमेंट ने जितना बोला है उतने पे करना है, मतलब गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट पार्ट हाल में नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिखना चाहिए। ये आप OTT कंटेंट की बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें पोर्नोग्राफी की, अगर हम बात कर देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, उनकी क्या थिंकिंग होती है इंडस्ट्री में आने के बाद? देखो जो पॉर्न फिल्म कर लेता है तो कहीं ना कहीं हर दिन के साथ बीतते दिन के साथ, वो चाहे जितना भी बोले, आदमी को अच्छा काम करना ही है, तो वो वहाँ से निकलते हैं एरोटिक में आते, फिर उनका सपना रहता है कि यहाँ से निकल के अच्छी फिल्म करेंगे, अच्छा वेब सीरीज करेंगे जिसमें कम रहे। अप्रोक्सीमेटली बजट कितना होता है इन सीरीज का? देखो बजट है 2 लाख 3 लाख पर एपिसोड, जैसे कास्टिंग होती है 4 लाख भी होता है 5 लाख भी होता है, वो जैसे सेटअप होता है कास्टिंग के हिसाब से होता है। तो चलिए ये तो अगर अपने बात की हम फाइनेंस की अगर बात करें तो इसमें से एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा एक्टर को, एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा डायरेक्टर्स को। नहीं बड़ा मतलब कितना बड़ा वो आप बताएंगे ना सर। अरे नहीं जैसे मान लो कि 10,000 15,000 20,000 इससे ज्यादा नहीं है लड़कियों का, बहुत हो गया 25,000 पर एपिसोड का, पर डे अच्छा है ना, लड़कों का 4,000 5,000 6,000 वही सब है। अच्छा लड़कियों को ज्यादा मिलता है? हाँ लड़कियों को मिलना भी चाहिए ना ज्यादा यार, मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों को ज्यादा मिलना भी चाहिए और वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखें बॉलीवुड की बात करें तो वहां पर अक्सर ही पे पैरिटी की बात होती रहती है कि लड़कियों जो है एक्ट्रेस उनको कम मिलता है और लड़कों को ज्यादा मिलता है। हमारे यहाँ ना उल्टा है, डायरेक्टर एक्टर सबसे ज्यादा लड़कियों को पैसा मिलता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो उसकी हकदार है, उनका ज्यादा मेहनत है, उनका ज्यादा जिगर ये सब करने का, उनकी ज्यादा हिम्मत है, उनका हक बनता है, तो हम लोग के इंडस्ट्री में उनको ज्यादा पैसा है, बाकी डायरेक्टर और एक्टर के मुकाबले उनको कम है पैसा। ना सिर्फ अगर बात करें एडल्ट फिल्मों से अगर हटे हम, तो आपको लगता है जो मेन स्ट्रीम की फिल्में हैं क्या उन फिल्मों से भी कहानियां दूर हो गई हैं, उन फिल्मों में कहानियां नहीं रही हैं अब? नहीं यार बिना कहानी की स्टोरी कैसी चलेगी, अभी चल रही है ना कहानी तो है ना यार, पिक्चर चल भी रही है ना, देखो अभी स्त्री चली, उसके पहले पठान जवान सब तो चल रही है, कहानी तो है ना सब में, क्या बोलना क्या चाह रहे हो सर। जैसे कि पहले अगर देखा जाए तो सेंसर बोर्ड का जो था वो एक अलग सी चीजें थी, उसमें चीज था कि अगर जैसे कि अभी मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रील दिख रहा था कि वहीदा रहमान एक गाना है बहुत सुंदर चौधरी वी का चांद हो शायद वो गाना, उसमें वहीदा रहमान जी की आंखें थोड़ी ज्यादा लाल थी तो सीन को काट दिया गया था क्योंकि वो सेंसर दिख रहा था। लेकिन आजकल की फिल्मों में भी देखा जाए बहुत हद तक
एडल्ट चीजों को दिखाया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो फिल्में हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ओर आ रही लोगों को आकर्षित करवाने के लिए कहानी से दूर हटकर? नहीं, वो तो आएंगे ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस हमने तरक्की इतना कर लिया, फ्यूचर के सिनेमा को क्या देख रहे हो आप? यही चाह रहे हो जो 1950 में जो फिल्म बन रहा था वही अभी बने 2024 में? हमको भविष्य की ओर जाना है ना यार, जैसे अचानक से तो नहीं हो रहा है। आज हम समझदार हो गए हैं, अब सबको सब पता है ना कि सेक्स क्या है, लोग क्या है, प्यार क्या है, सब चीज नेट पे है, हर चीज की जानकारी है। तो फ्यूचर का सिनेमा आप क्या जानते चाहते हो, वैसे ही बने जैसा पहले बन रहा था या उसमें ये सब चीज ऐड होना चाहिए, आप क्या देखना पसंद करते हो? मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिल्मों में भी ना आगे वो चीजें थोड़ी बढ़ेंगी और बढ़ना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, लिमिट में। जैसा अभी एनिमल में आया ना यार, अच्छा नहीं लगा सीन, अच्छा था उस टाइप का, उतना उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन नयापन तो सिनेमा में रहना चाहिए ना यार, तभी तो ऑडियंस सिनेमा की तरफ जाएगी। सर कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी चीज हो रही है इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है लोगों पर? जैसा कि आपने एनिमल की बात की, एनिमल में जहां बहुत लोगों ने तारीफ की उस सीन की या उस चीजों की, बहुत सारे एक वर्ग ऐसा भी था, और मैं सिर्फ अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो उस इंडस्ट्री के हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने उस सीन को गलत ठहराया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इस पर? देखो, अगर बड़े बड़े लोगों को गलत लगा तो गलत मैं भी मानूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं यार। देखो, ये सारी चीजें बहुत आदि मानव से जमाने से चली आ रही है, हर टाइम पे दो पक्ष रहता है और लोग बोलेंगे। मैं सोचता हूँ कि समय के साथ चीजें ना चेंज हो जाएगी, ये सब बातें ज्यादा दिन टिकेगी नहीं आदमी, और 10 साल बाद 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो यार? आज कितनी सारी मशीनें आ गई, क्या क्या हो गया, लोग ये सब बात करेंगे क्या? अरे कुछ नहीं, ये सब बातें हैं, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन ऐसे अगर, लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं वो तो पहले से बोल रहे हैं, लेकिन हम चांद पे पहुंचे, मंगल पे पहुंचे, मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, जो पहले मोबाइल के खिलाफ थे वो भी मोबाइल ले ही रहे, किससे बचोगे किससे 2024 में हम लोग यार? कभी सर आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है या ऐसे लोगों को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है जो इस चीज से जुड़े हुए हैं? देखो यार, मेरे ना ट्रोल करते होंगे लोग, लेकिन मेरा अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं क्या है ना, क्लियर बात बोलता हूँ और मेहनत बहुत करता हूँ, सच्चा बोलने की कोशिश करता हूँ, और मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ यार। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे जैसा भी बोलने वाला कोई बंदा चाहिए ना यार, जो फ्यूचर की बात करे, जो आगे के बारे में बोले। वो सारी बातें तो सब बोल ही रहे, तो वो सब मैं बोलना नहीं चाहता। मैं ऐसा चाहता हूँ कि नहीं यार, अब आगे बढ़ना है हम लोग को, आगे निकलना है और साइंस के टेक्नोलॉजी के साथ में लेके और सोच के चलना है। तो मैं ये सब चीज को, ये थोड़ी दिन की बातें, लोग हमेशा ये सब बोल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो इस इंडस्ट्री की बुराई करते हैं अब उसे पल्ला झाड़ लेते हैं कि सुनते हैं उनकी बातों को भी? मैं तो बुराई कर रहे तो सुनता हूँ ना। देखो, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना बुरा है कितना सही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बुराई हो रही है, तो मैं मान रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बुराई हो रही है यार। जैसे एनिमल फिल्म में अगर लोग बुराई कर रहे तो क्यों बुराई कर रहे? मुझे वो फिल्म में कोई बुराई दिखी नहीं है ना, मुझे अच्छा लगा पिक्चर। हर सब एक ही जैसा फिल्म बनेगा क्या? एक डायरेक्टर वो अलग बनाएगा, एक डायरेक्टर अलग बनाएगा, तो बना रहे सब अपने अपने हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना, तो उसमें बुरा क्या है? सब अपने टैलेंट दिखा रहे हैं। डायरेक्शन मतलब क्या है? एक कहानी को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है यार? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कहीं ना कहीं आपके बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ नया तो होना ही चाहिए। लाइफ में प्रकृति हर दिन के साथ कुछ चेंज मांग रही है, अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, और ईश्वर ने मिटा ही दिया है, जो आगे नहीं बढ़ा समय के साथ नहीं बढ़ा वो खत्म हो गया। आप क्या चाहते हैं सर, ये जो पूरी इंडस्ट्री है एडल्ट फिल्मों की, उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? भाई, ये इंडस्ट्री वालों को मेरा कोई सजेशन है ही नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो यार, मुझे निकलना है, फिल्म करना है। अब उनको कौन समझाए, वो सारे सीनियर लोग हैं, सब दिमाग वाले लोग हैं, अब उनको कौन दिमाग बताए? उनको जो ठीक लग रहा है वही कर रहे हैं ना, वो हमारी बात थोड़ी ना सुनेंगे, उनके लिए हम बहुत छोटे लोग हैं यार, तो हम वो बड़े लोगों को क्यों बोले? हम उनसे बड़े बनने की कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से, संघर्ष करके, जब उस काबिल बनेंगे तो समझाएंगे कि क्या गलत था क्या सही था। अगर आपकी ये बात अगर प्रोड्यूसर्स ने सुन ली तो कहेंगे भाई समीर सलीम को तो इंटरेस्ट ही नहीं बनाने में? हाँ नहीं है मुझे इंटरेस्ट, मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। तो फिर भी देंगे काम आपको? नहीं दे यार, मैं किसी के भरोसे पे थोड़ी ना इंडस्ट्री में आया हूँ यार। मुझे कोई काम दे नहीं दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं धरावी से था और यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। जिनको मेरी बात सही लगेगी वो मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनको सही नहीं लगेगी वो मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन किसी के दबाव में किसी के डर से मैं कुछ भी उनके हिसाब से नहीं बात करूंगा ना, जो सच है वही बोलूंगा मैं। एडल्ट फिल्म के कोई ऐसे स्टार्स हैं जिनके साथ आपको काम करना बहुत पसंद है या लगता है भाई ये मेरा काम आसान कर देता है? बहुत सारे नाम है, रुक्स हो गई, भारती हो गई, सायना खत्री हो गई, सुहाना हो गई, आयुषी जायसवाल हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार।
सर आज भी समाज में एक वर्ग ऐसा है जो लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट करता है, कहते हैं कि भाई लड़कियों से ऐसे गलत काम इसलिए हो रहा है कि वो छोटे कपड़े पहनते हैं। कहां तक ये जायज है, ये कहां, क्या मानते हैं इस पर आप? वो बोलने वाले पागल है यार, लड़की छोटे कपड़े पहनेगी ना यार, हम लोग अब शहर में रह रहे हैं, उसकी भी तो जिंदगी है, जिएगी, इसका मतलब उसे रेप कर दोगे? गलत बात है ये। आज हम अलग युग में, आधुनिक युग में, जिसको जैसा रहना रहेगा यार, कोई किसी को कपड़े की वजह से क्यों मारेगा, क्यों रेप करेगा उसके साथ, इसका मतलब वो बीमार है ना। तो लड़कियों को पूरी आजादी है, उनका जैसा दिल हो रहा है वैसा घूमे फिरे। कितने सालों से औरतों ने संघर्ष किया यार, तब जाके हम यहां तक पहुंचे। औरतों को तो हमेशा दुख में रहा है, तब वो समय आया कि औरतें खुशी से रहे, खुल के रहे, और जो उनके साथ कुछ गलत कर रहा है वो बहुत बड़ा मुजरिम है। और कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि लड़की की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। उसका दिमाग खराब है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लड़कियां तो जो दिलों का करेंगे यार, आज समय आया है, ऐसा क्यों नहीं घूमेंगी? कितना तकलीफ उठाया उन्होंने, उनको घूमने दो, फिरने दो, जैसा रहना रहने दो यार। लड़कियों का समय आ गया है, लड़कियों को हमेशा दबा के रखा गया, अब लड़कियों का समय आया है, अब आगे जो युग चलेगा लड़कियों का ही चलेगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत स्ट्रगल का दौर देखा है, कहीं ना कहीं आपने खुद कहा कि आप खुद को भी स्ट्रगल अभी भी मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहो? देखो मेरे तो जितने भी दोस्त यार हैं, जितने इंडस्ट्री में, सब मेरे दोस्त यार हैं, सब में समय समय पे मदद किया है हर तरीके से। तो मेरे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, जिनसे भी मेरा संपर्क है, मैं सब ने मेरी हेल्प की, सबके मदद से मैं यहाँ तक आया हूँ, और बिना दोस्ती के यहाँ तक आ ही नहीं सकते। दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। अभी सर आप थोड़े दिन बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि क्या लगता है आपको कब वो फिल्म आपके दरवाजे पर आ रही है कि आप उस समय से बोल लेंगे भाई एडल्ट सीरीज बाय बाय? देखो यार मेरा भी तो घर परिवार है, तो मैं ऐसे अचानक से कोई डिसीजन अभी ले नहीं सकता कि भाई गलत हो रहा है मैं छोड़ देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि गलत हो रहा है मुझे छोड़ना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं बहुत जल्दी छोड़ूंगा ऐसा मैं बोलता हूँ, मैं जल्दी छोड़ूंगा और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं ना लोगों को समझाऊं कि फ्यूचर में कैसे रहना है, फ्यूचर में क्या करना है, मैं उसके लिए बड़ा बनाऊं, मैं मेहनत किया हूँ कि मैं कुछ बनूं, तो मैं लोगों को समझाऊं कि आगे क्या क्या हो सकता है, मैं ऐसे ऐसे भी जी सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न मेरा यही है कि आप अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यार हर बीतते समय के साथ संघर्ष करते रहो, ये मत सोचो क्या गलत है क्या सही है, मतलब गलत मत करो, जैसे बलात्कार, खून, ये सब नहीं। एक जो कानून में रह के, समाज में रह के जो आपको लग रहा है सही है, दूसरे लोगों पक्ष को लग रहा है गलत है, जो सही है वो सही करके हर हाल में हमको आगे बढ़ना है, हमको अचीव करना है। हम जीवन में जिसके मकसद नहीं है उसके जीवने का कोई मतलब नहीं, वरना हम जानवर होते। हमको ईश्वर ने दिमाग दिया है, तो उस दिमाग का इस्तेमाल करके हर बदलते दिन के साथ संघर्ष करना है और अपने मुकाम को अचीव करना है, यही मेरा मानना है, और यही करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। तो जिसको जो भी सपोर्ट लगेगा मुझे कांटेक्ट करो, मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन मेहनत करो यार। आप कुछ भी कर रहे हो, हर परिस्थिति में ईश्वर एक मौका आपको आगे बढ़ने का देगा ही देगा, एक रास्ता होगा जिसको, जहाँ से आप निकल सकते हो, तो उस रास्ते को पहचानो और आगे बढ़ो, जरूर सफल होगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर लगा आपसे बात करके, जिस तरह से आपने सारे जवाब दिए, मतलब मेरा तो दिन ही बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, और ऐसे याद करते रहना यार, ऐसे हम लोग करेंगे, आप लोग भी बुलाते रहो, अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बोल बचन वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, ऐसे जुड़े रहिए बोल बचन के साथ, नए नए इंटरव्यू देखिए। बाय।